नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं श्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या गए शिवसेना कार्यकर्ता फिर से रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि उस समय उन्होंने एकनाथ शिंदे के सीएम बनने की कामना की थी, तो अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा आलाकमान के कहने पर डिप्टी सीएम बने फडणवीस पार्टी के फैसले से खुश नहीं है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने खुलासा किया कि उन्हें भी गुवाहाटी जाने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन वो नहीं गए। तो उधर अमरावती में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले पोस्ट के लिए दुकान मालिक की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। इसी बीच मुंबई में यूपी के गोंडा की एक दलित लड़की के साथ धर्म परिवर्तन और गैंगरेप का मामला सामने आया है। प्रदेश की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थक लगातार रामलला के दरबार पहुंच रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। यही नहीं, एकनाथ शिंदे के समर्थक पटाखे फोड़ रहे हैं और रामलला की जय जयकार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वही समर्थक है जो पिछले दिनों आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या आए थे। इनका कहना है कि जब वो आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या आए थे तो उन्होंने रामलला से मन्नत मांगी थी कि एकनाथ शिंदे सीएम बन जाते हैं तो वो दोबारा रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या आएंगे। इनका कहना है कि रामलला ने इनकी मन्नत पूरी कर दी है, इसीलिए वो दोबारा रामलला के दर्शनों के लिए आए हैं। अयोध्या पहुंचे एकनाथ शिंदे के समर्थकों के मुताबिक जैसे ही एकनाथ शिंदे के लिए सीएम पद का ऐलान हुआ तो उसी रात वो अयोध्या के लिए निकल पड़े। उनका कहना है कि जल्द ही एकनाथ शिंदे भी अयोध्या आएंगे और रामलला के साथ साथ साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। एकनाथ शिंदे के समर्थक नितिन वाडेकर ने कहा कि पूरा हिंदू समाज ये चाहता था कि एकनाथ शिंदे सीएम बने। बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद उनके साथ है, इसीलिए वो महाराष्ट्र के सीएम बने हैं। यही नहीं, रामलला ने भी एकनाथ शिंदे को सीएम बनने का आशीर्वाद दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ आकर दर्शन पूजा कर खुशियाँ मना रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा आलाकमान के कहने पर डिप्टी सीएम बने फडणवीस पार्टी के फैसले से खुश नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मुंबई में भाजपा के सेलिब्रेशन से दूरी बनाने वाले फडणवीस अब तेलंगाना में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल नहीं होंगे। तेलंगाना का कार्यक्रम दो दिनों का है। खबरों के मुताबिक इसमें पीएम मोदी हर सत्र में शामिल होंगे। दरअसल भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। 100 से अधिक विधायक होने के बावजूद शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे महज 50 विधायकों का नेतृत्व करते हुए सीएम बन जाते हैं। ऐसे में फडणवीस के कद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भले ही महाराष्ट्र में भाजपा की सत्ता में वापसी के उपलक्ष्य में शुक्रवार दोपहर महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया गया, लेकिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस कार्यक्रम में नहीं दिखे। उनके अलावा विधायक गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड और संजय कुटे जैसे उनके करीबी सहयोगी भी बीजेपी मुख्यालय के जश्न में शामिल नहीं हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार तीसरे राज्यसभा सीट के लिए भाजपा की लड़ाई में फडणवीस समेत उनके करीबी नेताओं की अहम भूमिका रही है। पिछले एक महीने की राजनीतिक उथल पुथल के दौरान ये सभी फडणवीस के साथ लगातार काम कर रहे थे, लेकिन फडणवीस का डिप्टी सीएम बनना उन्हें ही नहीं सियासी पंडितों को भी चौंका गया। शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत ने खुलासा किया है कि उन्हें भी गुवाहाटी जाने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन मैं बाला साहब ठाकरे का अनुसरण करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। जब सच्चाई आपके पक्ष में है तो डर क्यों है? मालूम हो कि शिवसेना से बगावत के बाद शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में 8 दिन तक रुके हुए थे। शिवसेना के बागियों के लिए इस होटल के सभी 70 कमरे बुक किए गए थे। वहीं बाहरी लोगों के लिए होटल के रेस्टोरेंट, बैंकवेट समेत अन्य सुविधाओं पर 22 से 29 जून तक रोक लगा दी गई थी। इसी क्रम में ईडी की पूछताछ पर संजय राउत ने कहा कि इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक सांसद होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि जब देश की कोई भी जांच एजेंसी मुझे बुलाती है तो मैं उनके समक्ष जाकर बयान दूं। मुझे बुलाया गया, लोगों के मन में कुछ शंका है कि ये राजनीतिक दबाव में हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। बता दें कि राउत धन शोधन के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कल ईडी के समक्ष पेश हुए और 10 घंटे से अधिक समय बाद बाहर निकले। उन्होंने कहा कि 10 घंटे तक मैं उनके साथ रहा, अधिकारी बहुत अच्छे से मेरे साथ पेश आए, मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। मैंने उन्हें कहा कि अगर आपको लगता है कि मुझे वापस आना चाहिए तो मैं फिर आ जाऊंगा। ईडी ने मुंबई के एक चौल के रीडेवलपमेंट और राउत की पत्नी व दोस्तों से संबंधित वित्तीय लेन देन से जुड़ी धन शोधन जाँच के सिलसिले में पूछताछ के लिए राज्यसभा सदस्य को तलब किया था। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर नुपुर शर्मा आलोचकों के निशाने पर है। ताज़ा घटनाक्रम में महाराष्ट्र के अमरावती में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले पोस्ट के लिए दुकान मालिक की हत्या की आशंका जाहिर की गई है।
दरअसल घटना 21 जून को रात 10 बजे से 10:30 बजे के बीच हुई। उमेश कोल्ले अपनी दुकान अमित मेडिकल स्टोर बंद करके घर जा रहे थे। एक अन्य स्कूटर पर 27 वर्षीय संकेत और उनकी पत्नी वैष्णवी उमेश के साथ थे। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का मानना है कि उमेश कोल्ले को कथित तौर पर बीजेपी की नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के बदले मारा गया। पुलिस ने कहा कि हत्याकांड की जांच के दौरान पता चला कि नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट उमेश कोल्ले ने व्हाट्सएप शेयर किया था। गलती से उमेश ने मुस्लिम सदस्यों वाले एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी यह संदेश पोस्ट कर दिया। इस ग्रुप में उसके ग्राहक भी थे। गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने बताया कि पैगंबर का अपमान हुआ, इसलिए उमेश को मरना ही चाहिए था। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाला चाकू, मोबाइल फोन, वाहन और अपराध में इस्तेमाल किए गए कपड़े को जब्त कर लिया है। घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की गई है। सभी गिरफ्तार आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट डिटेल की जांच भी की जा रही है। मुंबई फिर शर्मसार हुई है। यूपी के गोंडा में पुलिस ने एक दलित लड़की को अगवा कर मुंबई ले जाने और वहां उसका धर्म परिवर्तन कराने का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि किडनैप करने वाले दूसरे समुदाय के लड़के ने धर्म परिवर्तन कराने के बाद लड़की से निकाह किया, फिर मुंबई में अलग अलग स्थानों पर ले जाकर अपने साथियों से उसका रेप कराया। कुछ दिनों बाद उसे गोंडा स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई तो एसपी ने परसपुर पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पीड़िता का कहना है कि उसके गांव का ही रहने वाला जावेद, जो मुंबई में नौकरी करता है, उससे अक्सर बातें करता था। वह मुंबई बुलाता था लेकिन मैंने इनकार कर दिया। लड़की के पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि 14 जून को जावेद ने उसकी बेटी को कुछ सुंघा कर बेहोश कर दिया और जब उसे होश आया तो वो मुंबई में किसी कमरे में थी। आरोपी के मुंबई में रह रहे कई जान पहचान वालों ने भी बारी बारी उसका रेप किया। मामला बिगड़ता देख 21 जून को आरोपी बेटी को करनैलगंज रेलवे स्टेशन पर छोड़कर चले गए। यही नहीं, जाते जाते जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी भी दी। उसी दिन उसने बेटी के साथ हुई घटना की सूचना कस्बा चौकी पर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पिता ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जज साहब अपने सम्मान के लिए कुछ सम्मानजनक करिए, तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हैदराबाद में शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली जबलपुर स्पाइसजेट विमान SG-2962 को शनिवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर वापस लौटना पड़ा। केबिन क्रू ने विमान के अंदर धुआं देखा तो उधर केदारनाथ धाम में श्रद्धालु अब गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन कर सकेंगे। अब तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। इस बीच मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दावा किया है कि जुबैर को पाकिस्तान और सीरिया से विदेशी चंदा मिले हैं। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद भाजपा से निलंबित हो चुकी पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की है, जिसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नुपुर शर्मा के केस की शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा को फटकारते हुए कहा कि नुपुर ने टीवी पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाले बयान दिए हैं, जिसकी वजह से देश में माहौल खराब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यह भी कहा कि उदयपुर की घटना के लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। देश भर में कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को गलत बताया। वही अभिनेता अनुपम खेर और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भी सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी की आलोचना की है। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जज साहब अपने सम्मान के लिए कुछ सम्मानजनक करिए। अनुपम खेर का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस ट्वीट पर 66,000 लाइक्स है, वही 13,000 से अधिक रिट्वीट है। वही कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी इस मामले पर ट्वीट किया। विवेक अग्निहोत्री ने लिखा कि आज न्यायपालिका ने हमारा जीवन जीने का अधिकार ही छीन लिया है। अगर नुपुर शर्मा को कुछ हो जाता है तो किसकी जुबान जिम्मेदार होगी। विवेक अग्निहोत्री के इस ट्वीट पर कई लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हैदराबाद में शुरू हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी चीफ जेपी नड्डा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद जाएंगे। वही बैठक को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, जिस वजह से आयोजन स्थल पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हालांकि विपक्षी दल लगातार इस बैठक को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति
ईरानी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन हैदराबाद पहुंचे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट नहीं जाएंगे। ये महीने में ये तीसरा मौका है जब केसीआर पीएम को रिसीव नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भाजपा प्रदेश में मौजूद हो रही है, इसलिए उनको डर लग रहा है कि उनका बेटा अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। यही कारण है कि वे जनता के पैसे का दुरुपयोग करने हैदराबाद में भाजपा के खिलाफ होर्डिंग लगवा रहे हैं और उन्हें राजनीतिक रूप से उस मार्ग पर रखा गया है जहां से पीएम कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे और हवाई अड्डे पर लौटेंगे। दिल्ली जबलपुर स्पाइसजेट विमान एजेंसी 2962 को शनिवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर वापस लौटना पड़ा। कैबिन क्रू ने विमान के अंदर धुआं देखा। इस समय विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके बाद उसने आपात लैंडिंग की अनुमति मांगी। विमान को सुरक्षित उतार लिया गया। यात्रियों ने राहत की सांस ली। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि सभी यात्रियों को दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया है। एक वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि कैबिन में धुआं देखते ही यात्री और एयरलाइन बुकलेट से खुद को पंखा कर रहे हैं। स्पाइसजेट में पिछले कुछ समय से एक के बाद एक घटनाएं सामने आई है, इससे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। 19 जून को दिल्ली जाने वाली स्पाइसजेट की एक फ्लाइट को एक पक्षी की चपेट में आने के बाद पटना हवाई अड्डे पर लौटना पड़ा। एक सोशल मीडिया यूजर सौरव छाबड़ा, जो फ्लाइट में एक यात्री थे, उन्होंने बताया कि आज सुबह इस घटना का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है कि स्पाइसजेट असुरक्षित है। एक बार यात्री घबराने लगे तो वो वापस दिल्ली लौट आए। विमान में आग लग गई। शुक्र है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उसके पास बैकअप नहीं है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालु अब गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन कर सकेंगे। अब तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इस वर्ष मई और जून में गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये प्रतिबंध रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने के कारण लगाया गया था। प्रतिबंध के कारण श्रद्धालु सभा मंडप से ही बाबा केदार के दर्शन कर रहे थे। अब संख्या कम होने के बाद श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना कर सकेंगे। बताया कि श्रद्धालुओं की संख्या मंद कमी को देखते हुए मंदिर में दर्शनों के समय में भी बदलाव किया गया है। अब श्री केदारनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे के स्थान पर 5 बजे से धर्म दर्शन शुरू हो रहा है। 3 बजे से 4:45 बजे तक भोग, पूजा व सफाई के लिए कपाट बंद रहेंगे। शाम को श्रृंगार पूजा के बाद रात 9 बजे दोबारा कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह श्री बद्रीनाथ धाम में मंदिर में भगवान बद्री विशाल की अभिषेक पूजा सुबह 5 से संपन्न हो रही है। इस दौरान भी तीर्थयात्री धर्म दर्शन कर रहे हैं। हालांकि भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा में लगातार कमी आने लगी है। एक और सड़कों में मुश्किलें पेश करनी पड़ रही है, वही पहाड़ों पर बरसात में संभावित खतरों को देखते हुए यात्रा में कमी आने लगी है। फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने उसे आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि जुबैर को पाकिस्तान और सीरिया से विदेशी चंदा मिले हैं। उन्होंने FIR दर्ज होने के बाद अपने फ़ोन का डाटा डिलीट किया है। इसका जवाब देते हुए उनकी वकील वृंदा गोवर ने कहा कि फ़ोन फॉर्मेट करना गैरकानूनी नहीं है, यह हथियार या गोला बारूद या कोई ड्रग्स नहीं है। इससे पहले जुबैर की वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मोबाइल और हार्ड डिस्क जब्त कर लिए हैं, लेकिन पुलिस को अभी इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस सिर्फ मामले को लंबा खींचना चाहती है। पुलिस की सारी कहानी मनगढ़ंत है। यह पूरी कहानी साल 2018 की है और वह भी एक पुराने ट्वीट का मामला है। दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर कई और जा रही है। वही पुलिस का कहना है कि जुबैर को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वे अपना फोन लेकर आए थे। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि वह उस दिन से पहले एक और सिम का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे नोटिस मिलने पर उन्होंने निकाल कर नए मोबाइल में डाल दिया। पुलिस ने जुबैर को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है। इसके अलावा पुलिस ने उन पर दर्ज FIR में IPC की और धाराएं जोड़ी है। जुबैर पर विदेश से चंदा लेने का आरोप है, इसलिए इस केस में प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो सकती है। बताया जा रहा है कि उनके अकाउंट में पिछले 3 महीने से करीब 56 लाख रुपए आए हैं।
डच सांसद गेट विल्डर्स ने भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का फिर से बचाव किया है और कहा है कि उन्हें इस्लामिक पैगंबर के बारे में सच बोलने के लिए कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। तो भारतीय मूल के एक अमेरिकी अधिकारी रशद हुसैन बार बार भारत की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और अल्पसंख्यकों के मामले पर भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने भारत में कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किए जाने को लेकर भारतीय राजनीति को तलब दिया है। तो उधर अफगानिस्तान पर तालिबान को कब्जा जमाए 11 महीने का वक्त हो चुका है और इन 11 महीनों से अफगानिस्तान के लाखों लोग नर्क भरी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इसी बीच रहस्यमय नंबर 108 को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के लिए नुपुर शर्मा को विवादित बयान देने के लिए फटकार लगाई है, जिसको लेकर डच सांसद गेट विल्डर्स ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का फिर से बचाव किया है और कहा कि वह किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है और उन्हें इस्लामिक पैगंबर के बारे में सच बोलने के लिए कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों ने राजस्थान के उदयपुर में 2 इस्लामवादियों द्वारा हिंदू व्यक्ति कन्हैयालाल की बर्बर हत्या के लिए पूर्व भाजपा प्रवक्ता को जिम्मेदार माना। एक ट्वीट में डच सांसद गेट विल्डर्स ने लिखा कि मुझे लगा कि भारत में कोई शरिया अदालत नहीं है। मोहम्मद के बारे में सच बोलने के लिए उन्हें कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। वो उदयपुर के लिए जिम्मेदार नहीं है। कट्टरपंथी असहिष्णु जिहादी मुसलमान जिम्मेदार है और कोई नहीं। नुपुर शर्मा एक हीरो है। डच सांसद गेट विल्डर्स का ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणी के जवाब में था, जिसमें उन्होंने नुपुर शर्मा को उनकी ढीली जुबान के लिए नारा दिया था और कथित ईर्ष्या निंदा को लेकर कट्टरपंथी इस्लामवादियों द्वारा फैलाई गई अराजकता और हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि उनकी ढीली जीप के कारण देश भर में फैली अराजकता के लिए उन्हें दोषी ठहराया और उन्हें पूरे देश से सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा है। भारतीय मूल के एक अमेरिकी अधिकारी रशद हुसैन बार बार भारत की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और अल्पसंख्यकों के मामले पर भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर अमेरिकी राजदूत रशद हुसैन ने भारत में कई धार्मिक समुदायों के साथ हो रहे सलूक पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि इन चुनौतियों को दूर करने के लिए वॉशिंगटन लगातार भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा था। याद रहे, रशद हुसैन ही वो अधिकारी है जिन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार की थी और भारत में अल्पसंख्यकों से अत्याचार होने की बात कही थी। वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए हुसैन ने फिर कहा कि उनके पिता 1969 में भारत से अमेरिका आए थे। अमेरिका ने मेरे पिता को सब कुछ दिया, लेकिन वो भारत से प्यार करते हैं और भारत में जो कुछ होता रहा है उसे फॉलो करते हैं। हमारे पास रिपोर्ट है कि भारत में नरसंहार के लिए आह्वान किया गया। हमने चर्चों पर हमले किए हैं, हमने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है, हमने घरों को तोड़ा है। रशद हुसैन ने स्पष्ट रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास बयानबाजी है जिसका खुले तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोगों के प्रति अमानवीय है। इस हद तक कि एक मंत्री ने मुसलमानों को दीमक के रूप में संदर्भित किया। अपने एक भाषण में उन्होंने बांग्लादेशी प्रवासियों को दीमक कहा था। पाकिस्तान ने भारत में कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल को ब्लॉक किए जाने को लेकर भारतीय राजनयिक को तलब दिया। पाकिस्तान विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिक को विदेश मंत्रालय में बुला गया और भारत सरकार की ओर से ट्विटर पर 80 अकाउंट्स पर रोक लगाने को लेकर विरोध जताया। बता दें कि ट्विटर इंडिया ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत में पाकिस्तान के 4 दूतावासों के ट्विटर खातों को बंद कर दिया था। ये कदम तब उठाया गया जब इन पर आरोप लगे कि इन ट्विटर हैंडल से झूठी खबरें और दुष्प्रचार किया जा रहा था। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से इन खातों को तत्काल बहाल करने का आग्रह किया गया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से किए गए ट्वीट्स में बताया गया, भारत में ट्विटर की ओर से ईरान, तुर्की, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी दूतावासों के ट्विटर खातों को बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि कई और अकाउंट को भारत ने बैन कराया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के किसी ट्विटर खाते को बंद किया गया है। इससे पहले भी ट्विटर ने पाकिस्तान में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक रेडियो पाकिस्तान के अकाउंट को बंद कर दिया था। आरोप है कि पाकिस्तानी दूतावासों के ट्विटर अकाउंट भारत के खिलाफ नफरत भड़का रहे हैं। बताया गया है कि नुपुर शर्मा विवाद में भी इन हैंडल्स की तरफ से ट्वीट आए थे।
अफगानिस्तान पर तालिबान को कब्जा जमाए 11 महीने का वक्त हो चुका है और इन 11 महीनों से अफगानिस्तान के लाखों लोग नर्क भरी जिंदगी गुजारने को मजबूर है। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिलिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान राज स्थापित होने के बाद अफगानिस्तान में 500,000 परिवार बेघर होने के कगार पर है। दशकों के युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और उसके बाद के आर्थिक मंदी के कारण अफगानों को अफगान धरती से ही विस्थापित कर दिया गया है। वही देश की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने वाले तालिबान के अंदर ही भारी कलह जारी है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तमाम मदद बंद कर रखे हैं। लिहाजा स्थिति और खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से हजारों लोग बड़े शहरों के आसपास तंबुओं में रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं और उनकी स्थिति दयनीय है। काउंसिलिंग ने एक बयान जारी करते हुए तालिबान से लाखों विस्थापितों की समस्या का शीघ्र और दीर्घकालीन समाधान खोजने की मांग की है और अपील करते हुए कहा है कि जिन लोगों को राजनीतिक बंदी बनाए हैं उन्हें भी रिहा किया जाए। अफगानिस्तान में काउंसिलिंग के कंट्री डायरेक्टर नील टर्नर ने एक बयान में कहा कि लगभग 4,000 लोगों को काबुल और उसके आसपास के घरों से बेदखल कर दिया गया है। अफगानिस्तान में विस्थापितों की एक और बड़ी लहर उठने वाली है और मानवीय संगठनों के पास उसे रोकने और उन तक साधारण सुविधाएं भी पहुंचाने का कोई विकल्प नहीं होगा। दुनिया का सबसे रहस्यमय नंबर 108 माना जाता है और इस नंबर का सनातन धर्म से गहरा जुड़ाव रहा है, लेकिन आज के वक्त में जब विज्ञान ने काफी तरक्की की है, इस रहस्यमय नंबर 108 को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। सनातन धर्म के अलावा 108 नंबर का महत्व बौद्ध धर्म में भी काफी माना जाता है और अगर हिंदुइज्म की बात करें तो शक्तिपीठों की संख्या 108 है, उपनिषदों की भी संख्या 108 है, तो हिंदुओं के आराध्य भगवान शिव के भी 108 नाम है और ऐसा माना जाता है कि इन 108 नामों का जाप करने से किसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इतना ही नहीं, भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध डांस स्टेप नटराज, जिसे वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है और जिस पर कई वैज्ञानिक अभी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें भी डांस के 108 स्टेप है, जिसे ब्रह्मांड के निर्माण से जोड़ा जाता है और कॉस्मिक से इसे जोड़कर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। हाथ में माला लेकर हम जो जाप करते हैं उनमें भी रुद्राक्ष के 108 दाने होते हैं। इनके अलावा हिंदुओं में किसी चीज़ का 108 होना बहुत शुभ माना जाता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया है, जहाँ अंगरकोट वाट मंदिर में देखने को मिलता है, जिसका निर्माण 108 बड़े पत्थरों से किया गया है। इसके अलावा श्रीयंत्र में भी 108 नंबर बार बार आता है, जो मेडिटेशन और पूजा के लिए काफी पवित्र माना जाता है। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।